हम एक बार फिर से हाजिर हैं सायाहपुर की दिन भर की तमाम छोटी बड़ी खबरें लेकर, जिनसे आपका सीधा सरोकार है। नमस्कार, मैं हूं सिमरनजीत सिंह और आप देख रहे हैं मिशन 24x7। आइए शुरुआत करते हैं बुलेटिन की फटाफट अंदाज में। स्वच्छता सर्वेक्षण में नंबर वन बनने के लिए शाहजहांपुर नगर निगम ने कवायद शुरू कर दी है। शाहजहांपुर नगर निगम शहर की 30,000 स्क्वायर फीट दीवारों पर स्वच्छता संबंधी संदेश और चित्र बनवाएगा। इन दीवारों पर अलग अलग संदेश लिखे जाएंगे, साथ ही चित्रों के माध्यम से लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक भी किया जाएगा। इसकी शुरुआत शाहजहांपुर के सदर विधायक और सूबे के वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना के कैंप कार्यालय राजभवन से की गई है। थाना क्षेत्र निगोही के धुलिया गांव के पास एक लाश मिलने से हड़कंप मच गया। गांव के बाहर कच्चे रास्ते पर बुजुर्ग की लाश मिली है। आशंका व्यक्त की जा रही है कि बुजुर्ग की ठंड लगने से मौत हो गई। फिलहाल पुलिस ने सबको कब्जे में ले लिया है। वहीं बुजुर्ग की पहचान अभी तक नहीं हो सकी है। निगोही थाना क्षेत्र के उनकला गाँव में कल रात गौवध करते हुए दो तस्करों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। एक तस्कर मौके से भागने में कामयाब रहा। पकड़े गए तस्करों के नाम लुकमान और अशरफ हैं। इरशाद नाम का तस्कर मौके से भाग निकला। पकड़े गए दोनों तस्करों को पुलिस ने जेल भेज दिया है। तिलहर में नेशनल हाईवे के बाईपास चौराहे पर आज एक बड़ा हादसा होने से बच गया। हाईवे के एक हिस्से में जगह जगह गहरे गड्ढे हो गए हैं। शुक्रवार को हुई बारिश में इन गड्ढों में पानी भर गया। ऐसे में पानी भरे एक गड्ढे में आज एक ई रिक्शा सवारियों को ले जाते समय पलट गया, जिसमें बैठे यात्रियों को स्थानीय लोगों ने सुरक्षित बाहर निकाल लिया। हाईवे अथॉरिटी और नगरपालिका की लापरवाही के चलते यहां कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। तिलहर का नगरपालिका प्रशासन शासन के स्वच्छता अभियान को पलीता लगाने में जुटा है। पालिका के सफाई कर्मियों द्वारा नगर से निकले कूड़े को गांव को जोड़ने वाली सड़कों पर खुलेआम फेंका जा रहा है। बारिश होने से अब इस कचरे से महामारी फैलने का अंदेशा हो गया है, लेकिन नगरपालिका इस ओर ध्यान नहीं दे रहा। अभी कुछ दिन पहले ही मरम्मत किए गए सिंधौली से होकर गुजरने वाले नेशनल हाईवे में एक बार फिर से गड्ढे हो गए हैं। कस्बा सिंधौली के समाजवादी पेट्रोल पंप के सामने कई जगह गड्ढे हो गए हैं, जिनमें बरसात का पानी भर गया है, जिससे वहां से गुजरने वाले राहगीरों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। एक बारिश भी ना झेल पाने के बाद अब मरम्मत कार्य की गुणवत्ता पर सवाल उठने लगे हैं। निगोही थाना क्षेत्र के अरेली गांव में दबंगों ने एक 11 साल के बालक को दिन दिहाड़े उसके ही घर में बंधक बनाकर डाल दिया और माल लूट कर ले गए। दरअसल इस बालक की मां के साथ इन्हीं दबंगों ने कुछ दिन पहले मारपीट की थी और मां इसी मारपीट का मेडिकल कराने के लिए शाहजहांपुर गई हुई थी। तिलहर में नेशनल हाईवे के बाईपास चौराहे पर बन गए बड़े बड़े गड्ढों को अब मिट्टी से दुरुस्त करने का काम शुरू हो गया है। कल हुई बारिश से यह गड्ढे जानलेवा हो गए थे। आज सुबह इन गड्ढों में सवारियों से भरा एक ई रिक्शा पलट गया था। इसी के बाद ही मिट्टी से इन गड्ढों को पाटा जाने लगा है। निगोही पुआया मार्ग पर दो बाइकों की आमने सामने भिड़ंत हो गई। हादसे में निगोही निवासी विकास का पैर टूट गया। घायल को निगोही के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया है, यहां उसका इलाज चल रहा है। थाना कोतवाली क्षेत्र के कपूर हॉस्पिटल के बाहर उस समय हड़कंप मच गया जब अस्पताल के बाहर खड़ी कार अचानक गायब हो गई। यह घटना बीती शाम की है, जब थाना क्षेत्र पुआया के गांव जेमा के मनीष शुक्ला अपने बच्चे का इलाज कराने के लिए कपूर हॉस्पिटल आए थे। जानकारी होने पर पता चला कि कार को फाइनेंस कंपनी उठा ले गई है। दरअसल कार मालिक ने कार की किस्तें नहीं चुकाई थी, जिसके चलते फाइनेंस कंपनी ने कार को उठा लिया।